आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यूपी और एमपी के केंद्रीय बिंदु चित्रकूट में समाजवादी पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन। 2022 के आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही एमपी में पैर पसारने की दृष्टि से समाजवादी पार्टी द्वारा दोनों ही प्रदेशों के केंद्र बिंदु धर्म नगरी चित्रकूट धाम में सोमवार को दोनों ही प्रदेशों के चित्रकूट क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन करते हुए भाजपा सरकारों की कमियों के साथ ही पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की खूबियों को गिनाते हुए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता से वोट मांगे गए। सत्ता प्राप्ति की छटपटाहट के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा दोनों प्रदेशों के केंद्र बिंदु चित्रकूट में सोमवार को जनसभाओं का आयोजन किया गया। चित्रकूट यूपी के सीतापुर और चित्रकूट एमपी के रजौला में सभाओं का आयोजन किया गया। दोनों ही सभाओं को समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में जूही सिंह ने कहा कि दोनों ही प्रदेशों के साथ ही केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके आम आदमी, गरीब किसान, छात्र, मजदूर और नौजवान बेहद परेशान हैं। जहां आम आदमी की कमर महंगाई से टूटी जा रही है, तो वहीं देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब से भाजपा की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके पूर्व में सभा स्थल पहुंचने पर जूही सिंह का सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अजगर माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं बीते दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुई रजौला स्टेट की रानी रेमा श्रीवास्तव द्वारा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह और यूपी के समाजवादी नेता पूर्व मंत्री व्यास जी का गोंड को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। सभा का संचालन सपा सतना जिला अध्यक्ष राजेश दुबे ने किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी यूपी के बड़े नेता नरेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल, अरविंद मर्दन सिंह, यूपी सपा प्रवक्ता निधि यादव, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पन्ना लाल पुरी, चित्रकूट सपा जिला अध्यक्ष अनुज यादव के साथ ही अन्य तमाम नेता, कार्यकर्ता और जन समूह मौजूद रहा। चित्रकूट से आलोक गर्ग की रिपोर्ट। नगरी में राष्ट्रीय जूही सिंह उनका स्वागत है। एक कार्यक्रम रखा गया कि आप लोग आगे चल के सपोर्ट के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बने। यहाँ पर उपस्थित नारायणी विधान आदेश है, पूरे प्रदेश में, प्रदेश से लगे हुए बॉर्डरों में जितने भी जिले हैं, हमें घर घर जा जाकर, जिले जिले जा जाकर एससी एसटी के लोगों को और जो इन सरकारों से प्रताड़ित, पूरी तरह से ही दलित विरोधी सरकारों से बचाव करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को उनके पास ले जाना है और आने वाले समय 2022 में पूर्व बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी जनसभा का उद्देश्य है, वह गांव चुनाव उपचुनाव है, होने जा रहा है और दलित एससी सीट है और दलित वहां से पूरी तरह से उत्पीड़न में है, इसलिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना कैंडिडेट उतारिए और वहां का एससी। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, उसके लिए आप अपने संगठन और अपने क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और जनता के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भी आए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही जगह सरकारें ऐसी हैं जो न जन सरोकार के मुद्दे उठा रही हैं, न उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब। मुख्य मुद्दे क्या कह रहेंगे आपके मध्य प्रदेश के लिए? बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और फिर वही सरकार की असंवेदनशीलता जब अपराध हो जाता है, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार हो रहा है। अभी रहेगा विधानसभा में उपचुनाव है जिसमें शायद एससी की सीट है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां? अगर आपने कहा उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये निर्णय करेंगे कि उपचुनाव हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उत्तर प्रदेश अभी हमारे लिए केंद्र का बिंदु है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें सरकार बनाना। जब केंद्र का बिंदु उत्तर प्रदेश है तो एमपी में कार्यक्रम फिर क्यों? केंद्र का बिंदु उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश भी है क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था कर रही है। केंद्र की कोई नीतियां जमीन पर नहीं पहुंच रही है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंतर क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि अब प्रदेशों का भी विभाजन कर दो जैसे आसाम में कर रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।